सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम बैक विद द बैट वॉर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बैट वॉर्स तो खेलने वाले हैं सोलो, लेकिन आज तुम्हारा भाई करने वाला है हैंड कैम। हाँ मुझे पता है सब दिख रहा है, फिर भी इंट्रो तो देना पड़ेगा ना। तो मेरे को मिली है यहाँ पे रेड वाली टीम, और मेरे साथ वाला बंदा पता नहीं ब्लू वाला आया क्यों नहीं, इसलिए मेरे को यहाँ से जाना पड़ रहा है। और अभी मैं जाने वाला हूँ ग्रे वाले की साइड, और यहाँ पे ग्रे वाले का बैट खुला पड़ा है, तो फटाफट चलो इसका बैट तोड़ता हूँ पहले तो। और भाई साहब पिंक वाला सामने से आ रहा है, इसको भाई साहब थोड़ा चटकाते हैं। अरे यार पिंक वाले को मारते मारते ग्रे वाला कब यहाँ से निकल गया कुछ पता ही नहीं चला यार। तो चलो फटाफट से यहाँ पे रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, और अभी जो यहाँ पे बैट बचे हुए तीन टीमों के उनका बैट तोड़ना है मेरा टारगेट। तो चलो फटाफट चलते हैं यहाँ पे ग्रीन येलो और सियान के पास, और वो वाला बंदा भी उधर से आ रहा होगा तो उसको बीच में लपेटते हुए चले गए। तो ये ना सामने से आ रहा बंदा, इसकी भैंस की अबे देख के गिर गया भाई। तो मेरे सामने ग्रीन वाला बेस, और वहाँ से येलो वाला भाई ग्रीन वाले का बैट तोड़ने आ रहा है। तो चलो ये दोनों तो आपस में बिजी है, अपन लोग अपना काम पूरा करते हैं, ग्रीन का बैट छिटकाते हैं। और भाई किसको पेलूँ भाई, ये ग्रीन वाला तो मर गया, तो येलो वाले को पेलते हैं लेट्स गो फटाफट से। लेकिन ये बंदा भाई रुक जाओ एक सेकेंड, इन दोनों को आपस में मैटर कम्प्लीट करने दो। मैं तो भाई हरे वाले को मारूंगा, मेरे को फाइनल चाहिए, मैं क्रेडिट का भूखा हूँ क्या मतलब, मेरे पास तो पहले से ही रैंक है। तो ये ग्रीन वाला साइड से निकल रहा है, लेकिन साइड से इसको पता नहीं कि भाई बहुत सारे बंदे आ चुके हैं यहाँ पे। भाई येलो भी इधर ही है, सियान भी इधर ही है। भाई मेरे को नहीं बनना तुम्हारे मैटर में, ठीक है तुम लोग खुद ही समझ लो। तो यहाँ पे येलो को खत्म कर दिया। अब भाई सियान तेरी बारी है भाई, मैं अकेले बंदे से भिड़ता हूँ लेट्स गो, अगर 1v1 करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। अरे इसको गोल्डन एप्पल खाते हैं। तो सियान का बैट बचा हुआ है, और उसी का बैट लेने में जा रहा हूँ, और उसी का बैट लेते ही हम हो जाएंगे 1v1। तो सियान ने यहाँ पे कुछ क्या लगा रखा है, वूल लगा रखी है, एंड स्टोन हो सकते हैं नीचे की तरफ। भाई सामान शॉपिंग कर रहा है भाई, एफ के बंदों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए भाई, एफ के बंदों को पहले मारते हैं। तो यहाँ पे फायर बम मारता हूँ मैं, और भाई पता नहीं साउंड की क्या हो रही है, भाई साउंड थोड़े से डीले है। और यहाँ पे भाई दोबारा स्पॉन हो गया बंदा, इसकी भैंस की टांग, रुक जा भाई रुक जा ब्रो, नीचे गिर गया। तो नेक्स्ट मैच में अपन लोग आ चुके हैं, और ये अपना फास्ट फूड वाला मैच। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो तो नए क्यों हो यार, जल्दी से पुराने हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके और भाई वीडियो को लाइक कर देना। लाइक कैम है अपना 41 लाइक्स, अगर तुम लोग 41 लाइक्स करते हो तो मैं एक और हैंड कैम डाल दूंगा। लेकिन ये बंदा क्या था भाई, अगर ये बंदा सच में बिना हैक के ये सब कर रहा है तो भाई बहुत ही तगड़ा प्लेयर था यार। तो चलो बाहर उसने मेरा बैट तोड़ दिया, और अब बारी है मेरी, मेरे भाई मैं अपने मेरे को भी स्किल आती दिखानी भाई, भले नुबड़ाऊ क्या हुआ, थोड़ा बहुत शॉट मेरे को भी आते हैं मारने हैं। तो गाइस अगर तुमने ध्यान से देखा होगा ना कि पीवीपी करते टाइम मैं अपना फ़ोन के बाहर लेके आता भाई, स्क्रीन पूरी यही सीन होता भाई। मैं यार मेरे को ऐसा खेलने की आदत नहीं है, मैं भाई लेटे लेटे खेलता हूँ अपना आराम से मज़े से, और भाई आज बैठ के खेलना पड़ रहा है यार, तो थोड़ी बहुत आदत नहीं यार खेलने की ऐसे। तो चलो यार वाइट के बेस पे चलते हैं, और वाइट वाला बंदा अकेला बचा है, और ये रहा इसका बेस, और बैट तो तोड़ दिया मैंने इसका, और लेकिन यहीं कहीं होना चाहिए बंदा। तो देखते हैं कहाँ पे, इस वाले सियान के बेस पे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है मेरे को भाई, वो रहा वो जाता हूँ दिख रहा है। मेरी फायर बॉल लग गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगी तो मैं वैसे भी जा दूंगा। और ओ भाई बंदा गिर गया भाई, गिर गया बंदा, यस। गाइस अगर तुम लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो प्लीज़ यार एक बार वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक तुम लोग देखोगे तभी मेरा फायदा है। और तो चलो फटाफट से यहाँ से मैं कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ ब्लॉक्सिस, और अभी मैं जाने वाला हूँ येलो पे, और यहाँ पे येलो वाली टीम आई भी है। हाँ येलो वाली टीम आई है, येलो का बैट भी है मेरे पास। ओ भाई ये बंदा क्या कर रहा है, अच्छा तो ये बंदा मेरे को सेटअप करने की कोशिश करेगा। लेट्स गो, भाई जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना वहाँ की कैंटीन में मेरा 500 का उधार है, ठीक है। तो चलो भाई इसको तो मैंने ख़त्म कर दिया, लेट्स गो। ओ भाई तगड़ा प्लेयर तो है थोड़ा बहुत भी है, और वॉइड में गिरने की एक्टिंग करेगा, इसको लगता है मैं इसके पीछे वॉइड में गिर जाऊँगा, बाकी मैं गिर भी जाता कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस लेट्स गो चलते हैं, यहाँ पे सियान वाला बंदा तो पहले ही मर चुका है, कोई बात नहीं, यहाँ से व्हाइट वाला बंदा। भाई भाई क्या कर रहे हो भाई, क्या खा रहे हो नाश्ते में। ओके गाइस यहाँ पे रेड वाले ने मेरा बैट तोड़ दिया है, मेरे पास आयरन की स्वॉर्ड यानी कि चांदी की तलवार है भाई, काट देगी यार पूरा अच्छे तरीके से। तो चलो यार चलते हैं यहाँ पे रेड वाले के बेस पे, और रेड वाला बंदा बैट कवर करने में बिजी है। मेरे पास फायरबॉल है यार, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो फायरबॉल से मैंने इसको नहीं फेंका, बैट तोड़ गया भाई। डिस्कनेक्ट नहीं होते बंदे ऐसे, अच्छा हुआ, वरना बंदे कभी कभी डिस्कनेक्ट भी कर देते कभी कभी। तो फटाफट चलो यार जैसे फायरबॉल लेता हूँ मैं एक, और यहाँ पे पिंक वाला बंदा बेस पे नहीं है, लेकिन पिंक वाले का बंदे का बैट मैं तोड़ सकता हूँ। तो भाई क्या मैं हाथ से इसका बैट तोड़ सकता हूँ, देखता हूँ। लेट्स गो अंदर क्या रहा, अब एंड स्टोन फायरबॉल फेंको। लेट्स गो गाइस, पिंक वाले का बैट गया, और पिंक वाले का बैट तो जाना ही चाहिए वैसे भी। यहाँ पे पिंक टी एन टी है मेरे पास, मैं जंप कर सकता हूँ, लेकिन जंप नहीं करने मेरे को अभी भाई, क्यों फालतू में चीज़ें करनी है, जब हम लोग जीत रहे तो शांति से जीतते हैं ना यार। तो यहाँ पे भाई पिंक वाला बंदा ऊपर है, और उसके ऊपर जा रहा है वाइट वाला बंदा,
तो तुम लोग आपस में भिड़ते रहो, मैं बस एक छोटा सा चक्कर मार के आता हूँ वाइट वाले के बेस पे। तो भाई देखते कोई आ ना जाए बस मेरे पीछे ये वाइट वाला बंदा, तो भाई इसको कुछ पड़ी नहीं भाई बंदे को। तो चलो यहाँ पे वाइट का बैठ गया रहा, और ये वाइट का बैठ गया भाई, ये दुश्मनी होनी चाहिए, यही दुश्मनी होनी चाहिए नेदर गेम्स में एक दूसरे प्लेयर्स के बीच में। और तो भाई बंदा गिरा है वाइट वाला, तो उसके पास भी कम हेल्थ होगी ऑब्वियसली। तो भाई ये बंदा भाग रहा है अब, और चलो मैं इसको भागने दूंगा नहीं वैसे भी। इसके पास दो ही पाँच हर्ट है भाई, पूरे पाँच हर्ट है, दो नहीं है। तो लेट्स गो, इसको मेरे को टू फिंगर करके मारना पड़ेगा, क्योंकि भागते हुए बंदे को ना टू फिंगर करके मारता हूँ मैं। तो चलो भाई 1.7 हार्ट, 2.2 हार्ट, और जी जी यार आखिर में। तो गाइस ये है अपना एक और अलग मैप, और गाइस ये वाला मैप यार कुछ अलग ही मैप है, मतलब तुम्हें दिखाओ तो इसमें यार कुछ अपने वो चैट वाले गीगा चैट वाले स्टैचू बने होते हैं, तुमने अगर ध्यान से देखा होगा तो। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है वाला मैप भी। तो यहाँ पे ब्लू वाला बंदा बेट को कवर कर रहा है, लेकिन भाई के क्या काम का भाई बैट को कवर करने का जब बंदे का ध्यान ही नहीं है भाई। मैं इजीली इसका बैट तोड़ सकता हूँ, तो लेट्स गो फटाफट से इसका बैट तोड़ते हैं। और अभी भी बंदा शॉपिंग में लगा पड़ा है भाई, इसको पता भी नहीं चला भाई कि इसका बैट टूट गया। तो चलो फटाफट से इसको मारते हैं, और तो गया पता नहीं यार किसके लिए शॉपिंग कर रहा था। गाइस जब मैं आज हैंड गेम रिकॉर्ड कर रहा था, उससे पहले मेरे को लगता था कि भाई काफी ज्यादा आसान चीज है, कुछ नहीं करना, बस एक अलग से फोन चाहिए होगा, उसके अंदर कैमरा ऑन करना और गेम को खेलना है भाई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल है हैंड गेम को रिकॉर्ड करना। तुम्हें सेटअप अच्छे तरीके से करना होगा, और गेम प्ले में भी थोड़ी बहुत कमी आती है भाई हैंड गेम के, जब हम लोग हैंड गेम करते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन वाले बंदे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर दिया, लेट्स गो। तो अभी वहाँ पे एक येलो और एक सियान और वाइट वाला बंदा बचा है, और येलो वाला बंदा मेरे बेस पे आ रहा है, मेरे बेस पे नहीं ऑब्वियसली ग्रीन के बेस पे आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो इसको मारते हैं। ओ भाई ये कौन सा फायरबॉल जम था, मेरे को भी ये वाला फायरबॉल जम सीखना है भाई, कौन सा जम था ये। तो चलो इसको फटाफट से मारते हैं। और भाई पता नहीं यार क्यों मेरा FPS इतना लैग हो रहा है, तुम्हें दिखेगा नहीं क्योंकि तुम लोग तो यार डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो। वीडियो के टाइम तो यार अपना एडिटिंग करके जब मैं एडिटिंग करके जब एक्सपोर्ट करता वीडियो को, तो वो हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो जाती है। और भाई मैं गया भाई, मैं कोई बचा नहीं सकता भाई, येलो वाले भाई पूरा फॉर्म में आ चुका है। मैं बचूंगा नहीं, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ। लेट्स गो। तो गाइस पिंक वाला बंदा मेरे बैट पे जा रहा है, और क्या मैं इसको फायरबॉल मार सकता हूँ, लेट्स सी, लग जाए तो बहुत अच्छी बात। और नहीं लगी यार। कोई बात नहीं, चलो यार बैट अपना टूटने वाला है, ये मेरे को संभावना हो जाए, क्योंकि वो अपना बैट तोड़ देगा पिंक वाला बंदा। तो कोई बात नहीं, हम लोग जाते हैं सियान के ऊपर, और सियान वाले के पास फायरबॉल मेरे को लग गई। तो गाइस मेरा बैट टूट चुका है, और भाई ये भाई आयरन की शॉट भाई चांदी की तलवार है भाई, काट के रख देगी भाई, दूर होना पड़ेगा मेरे को फटाफट से भाई। शॉट क्यों लग रहा है भाई, जंप मार मार के कौन मारता है यार, फायरबॉल भी ऐसे टाइम पे भाई। नहीं मैं गया। गाइस आई होप कि तुम्हें यार वाला हैंड कैम पसंद आ रहा होगा मेरा। मेरे पास कुछ इतना अच्छा भाई सेटअप था नहीं यार, मेरे से जो जुगाड़ हुआ मैंने वही किया भाई, मैंने जो जुगाड़ लगा सका मैंने वही जुगाड़ लगा के भाई हैंड कैम किया है। मेरे को लग रहा था भाई हैंड कैम लाना चाहिए, हैंड कैम भी बड़ा मज़ेदार है। तो चलो यार ब्लू वाले को सेटअप करते हैं थोड़ा सा, और ब्लू वाला आ रहा है, लेट्स गो ब्लू वाले को अब पेलते हैं भाई। मेरे को नहीं मार पाओगे तुम, अब मैं भाई सेटअप करके आया पूरा, मेरे को बस चांदी की तलवार से डर लगता है थोड़ा बहुत, और भाई और तो कुछ भी नहीं। तो लेट्स गो गाइस, जी आई होप गाइस कि तुम्हें आज वाली वीडियो पसंद आई होगी, और तुमने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और तो और गाइस 41 लाइक्स का टारगेट है, तो जल्दी से फटाफट से उसको कंप्लीट करवाओ। तो मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। One kiss is all it takes, falling in love with me, possibility.